किसान कैचअप पिक्चर में फार्मर है, नेम इज किसान जिसका मतलब है फार्मर और टैगलाइन है फ्रॉम द फार्मर। सो टाइम आ गया है फॉर द रिव्यू फ्रॉम द फूड फार्मर। यहाँ लिखी गई है फ्रेश टमेटो केचप। सो ऐसा लग सकता है कि ये फ्रेश टमेटो केचप है, लेकिन अगर आप पैकेज को घुमाओ ये सिर्फ ब्रांड नेम है एंड डज नॉट रिप्रेजेंट इट्स ट्रू नेचर। नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि दिल्ली की IPL टीम, आप अपने को चाहे डेयरडेविल बुलाओ या कैपिटल्स, फर्क नहीं पड़ता, आओगे तो लास्ट ही। अपने एड में वो दिखाते हैं कि किसान केचप के कारण आपके बच्चे अपना टिफिन खत्म कर देंगे और उन्हें दोस्त भी बनाने में मदद होगा। केचप जब ये हो रोल में और रोल हो डब्बे में तो सब बन जाए दोस्त और डब्बा हो जाए खाली। हर 15 ग्राम में अप्रोक्सीमेटली 1 टीस्पून ऑफ शुगर है। आपको लग सकता है मैं तो सिर्फ थोड़ा सा ही केचप खाता हूँ, इससे क्या फर्क पड़ता है। मैं बताता हूँ, हर एक प्रोडक्ट की तरह उनकी पूरी कोशिश है कि आप इसको वंस इन अ वाइल नहीं रेगुलरली खाएं। उनको मन है कि आप केचप केवल स्नैक्स के साथ नहीं मगर केचप मिलाए सब्जी में। बस सब्जी में किसान केचप मिक्स कीजिए, रोटी, उपमा और इवन वड़ा में। वड़ा, वड़ा में कौन केचप डालता है? मारो, मुझे मारो, मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। अगर आप मैगी केचप यूज करते हो और खुश हो रहे हो, याद रखना कि अकॉर्डिंग टू FSSAI इंग्रेडिएंट लिस्ट्स आर लिस्टेड इन ऑर्डर ऑफ वेट, यानी जो सबसे ज्यादा है वो पहली आएगी और जो कम है वो लेट आएगी। मैगी रिच टमेटो में टमेटो से ज्यादा शुगर है, उसी लिए वो पहले आती है। मेरी मम्मी प्राउड फील करती है कि वो केवल आधा टीस्पून शुगर लेती है अपनी चाय के साथ और फिर वो हर एक चीज में केचप डालती है। इंस्टेड ऑफ केचप मैं रेकमेंड करता हूँ मिंट और कोरिएंडर चटनी और मस्टर्ड।